Hello again. Last time I talked to you about arteries, the blood vessels which carry blood away from the heart. But even more important are the veins, which have to bring the blood back to the heart. Because unless the blood comes back to the lungs and gets purified and cleaned, it cannot be recirculated into the body. And the circulation can only occur if the blood which has gone down comes back. So it's extremely important that these veins remain healthy so that the blood continuously comes back and does not get collected in some part of the body. Usually because of gravity, because we keep standing for most periods of time or sitting for that matter for long periods of time, the blood tends to collect in the legs. How many of you, when you get back home in the evening after a long day at work, whether you've been sitting in your office or you've been standing and doing your job, whatever, you come back and you find that the elastic of the socks that you've been wearing has left a mark on your ankles, just above the ankles. How many of you have noticed that? Do you know what that is due to? That is because of inadequate emptying of blood, which has come down into the foot, but unable to go back up towards the heart. This is the first sign of what we call venous insufficiency or chronic venous insufficiency. This is something which develops because the calf muscles are unable to pump this blood from below upwards. Thereby, there is pooling of blood. Khoon ikhatta ho jata hai hamari pair ki pindliyon mein, hamari calves mein. Aur iski wajah se wahan par pairon mein swelling aani shuru ho jati hai. Aur wo jo elastic hai socks ka, wo wahan par ek nishan yani ek mark chhod. ये अगर प्रॉब्लम बढ़ती जाए, स्वेलिंग बढ़ती जाएगी, पैरों में स्वेलिंग अगर ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पर खून ज्यादा देर खड़ा रहने की वजह से रुक जाता है और वो खून क्लॉट हो जाता है. ब्लड एक ऐसी पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी फितरत है कि अगर वो सर्कुलेट करता रहे, चलता रहे, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहे. और अगर ये ब्लड रुक जाए या पूरी तरह से सर्कुलेट ना करे और पैरों में ही रुक जाए, तो उसके क्लॉट होने के चांसेस हो जाते हैं. खून गाढ़ा होके जम जाता है. खून गाढ़ा होने के बहुत चांसेस हैं, थिक होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत बहुत कारण होते हैं. अगर किसी को लूज मोशंस हो जाएं, शरीर का पानी कम हो जाए, उल्टियां लग जाए, शरीर का पानी कम हो जाए, या पानी पीने की आदत ही नहीं है. बहुत कम लोग पानी पीते हैं, बहुत लोग कम पानी पीते हैं. प्लस अगर गर्मी बहुत हो, पसीना बहुत ज्यादा निकल जाए, अगर आप कहीं ऐसी जगह में है जहां बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, आपका पानी बॉडी से लूज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में खून आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, और इस तरह की सिचुएशंस में खून के क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और अगर वो क्लॉटिंग होती है तो पैरों की नसों में क्लॉटिंग हो जाती है, खून नीचे से ऊपर चढ़ नहीं पाता, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, और वो फिर प्रॉब्लम बनके जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी खून की नसों में क्लॉट्स का डेवलप होना. ये कई दफा एक बहुत खतरनाक रूप ले लेती है, क्योंकि क्लॉट्स वहां से निकल के टूट के और लंग्स में चले जाते हैं, जिससे कि कभी कभी सांस लेने की तकलीफ हो जाती है, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है. आपने शायद सुना होगा कि कुछ लोगों को एयरक्राफ्ट्स में, यानी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग, अगर कोई आप दिल्ली से बंबई, ये लंदन जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, या कहीं भी यूरोप में कहीं जा रहे हैं, 6-8 घंटे की अगर आपने फ्लाइट ली और आप अगर बैठे हुए हैं अपने पैरों को नीचे लटका के, तो ऐसी सिचुएशंस में खून का पैरों में जाके जम जाना और वहां पर क्लॉट्स बनने के रिस्क बढ़ जाते हैं, जिसको कि ट्रैवल थ्रोम्बोसिस या क्लॉट इन द लेग्स बोलते हैं. और इससे कई दफा कुछ लोगों की मौत भी हुई है. इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगली दफा बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से पैरों में क्लॉट्स बन जाते हैं.